हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कश्मीरी कढ़ाई पनीर। बहुत ही शानदार बनती है और ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता है। आपके घर में उपलब्ध चीज़ों से आसानी से बन जाती है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर, कितना अच्छा दिख रहा है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर के पीसेस थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में रहेंगे और थोड़े मोटे मोटे रहेंगे। अब एक कढ़ाई में ऑयल या घी गरम कर लें। कोई भी खाने वाला ऑयल यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब हम सारे पनीर को एक साथ डाल के और गोल्डन ब्राउन होने तक, सुनहरा होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसको एक साइड से अच्छे से सिक जाने के बाद धीरे धीरे पलट लेंगे सारे पनीर को। देखिए इस पर ब्राउन स्पॉट पड़ने लगा है। अब ये हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसको तेल से बाहर निकालने के बाद गर्म पानी में हम डालेंगे, नमक वाले गर्म पानी में, ताकि हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहे और इसमें नमक का फ्लेवर आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारा पानी गर्म है। इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देंगे और पनीर के सारे टुकड़ों को इसमें डाल देंगे। दूसरी साइड में जिस कढ़ाई में हमने पनीर फ्राई किया था, ऑयल थोड़ा सा निकाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा ऑयल में फ्राई करते हैं। उसी बचे हुए ऑयल में थोड़ा सा जीरा, गोल मिर्च, लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो छोटे इलायची डाल के इसको हम अच्छे से तड़का लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और दो तीन कटी हुई सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसको अच्छे से तड़कने देंगे। अब इसमें हम एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे मैं कूटा हुआ लहसुन अदरक डाल रही हूँ, आप पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन अदरक को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और एक बहुत अच्छी खुशबू आने तक इसको भूनेंगे। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। ये प्याज मैंने 5 मीडियम साइज का प्याज लिया था। आप जिस हिसाब से पनीर की यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से प्याज भी यूज करें। प्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें ग्रेवी गाढ़ी बनानी है। कि प्याज भी हमारा अच्छे से भून गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, एक चम्मच जीरा, धनिया और गोल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया था, कलर भी अच्छा आ गया था। अभी मसालों के साथ भी अच्छे से भून जाएगा और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और जिससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इसमें मैं एक मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरी बना के, पेस्ट बना के डाल रही हूँ। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून रहा है, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है इसमें से। मसाला अच्छे से भून गया है, देखिए अच्छा ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें 2 चम्मच फेटा हुआ दही डाल के मैं लगातार चलाऊंगी। बिल्कुल रुकना नहीं है, लगातार लगातार चलाना है, नहीं तो दही हमारी फट सकती है। आप बिल्कुल ऐसे बनाएंगे और ऐसे टाइम पे, इसी टाइम पे आप दही यूज करेंगे तो आपका दही नहीं फटेगा और आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी। देखिए बिल्कुल दही नहीं फटेगी। आप इसको लगातार चलाते हुए बिल्कुल मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ। इसको 1-2 मिनट और भूनने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसमें मैं 250 ml तक पानी डाल रही हूँ। देखिए कुछ ही देर में इसमें अच्छे खासे बबल्स पड़ने लगेंगे और ये हमारा सब्जी पक के ग्रेवी तैयार हो जाएगा। देखिए हमारी ग्रेवी पक गई है। अब इसमें हम जो पानी में भिगो के पनीर को रखे थे, नमक वाले पानी में, वो पनीर निकाल के सब्जी में ऐड कर देंगे, सब्जी में डाल देंगे और इसको एक बार ऐसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे इसे धीरे धीरे पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि सब्जी नीचे से जले ना, लगे ना। ये पनीर की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, राइस के साथ, सब के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है। एक दो मिनट और लगेगा, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसमें ज़्यादा ग्रेवी ना रखें, ज़्यादा ग्रेवी पतला अच्छा नहीं लगता है।
इसमें गाढ़ी ग्रेवी ही अच्छी लगती है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमारी सब्जी बनी हुई है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर ऐसी ग्रेवी रखेंगे तो सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं आपका रेसिपी कैसी लगी।